नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पंडाल में केवल 5% लोग, भाषण रोक, पीएम मोदी ने मांगी माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने शुक्रवार को 35,700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद धनबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया और अब की बार 400 पार का दावा किया। उन्होंने कहा, आप सभी इतना विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह जिसके कारण देश में एक ही गूंज है, वो गूंज है अब की बार 400 पार। ये नारा इसलिए लग रहा है क्योंकि देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है। हालांकि इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी को अपना भाषण बीच में रोक कर वहाँ मौजूद लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल इसकी वजह थी कार्यक्रम के लिए बनाया गया पंडाल। पंडाल इतना छोटा था कि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कई लोगों को पंडाल के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ा था। पीएम मोदी की इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक लोगों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, आज पंडाल छोटा पड़ा है। मैं देख सकता हूं कि केवल 5% लोग ही पंडाल में हैं, बाकी के 95% लोग धूप में तप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस तपस्या को ब्याज सहित लौटाऊंगा। केंद्र ने रोका पीएम आवास तो शुरू किया गया अबुआ आवास। मंत्री झारखंड सरकार के वित्त मंत्री 24-25 के बजट पर विभागवार चर्चा 2 दिनों तक चली। अंतिम दिन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद 73,87,04,000 का बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बचे हुए सभी विभागों का बजट एक साथ पारित करा दिया गया। विनियोग विधेयक भी ध्वनि मत से पारित हो गया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य को 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन मंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को पत्र लिखा था, इसके बावजूद केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में हम झारखंड के लोगों को बिना आवास के नहीं छोड़ सकते थे। भारत सरकार 2011 की जनसंख्या के आधार पर झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास दे रही थी। अब भारत सरकार ने राशि देना बंद किया तो हम लोगों ने अबुआ आवास योजना शुरू किया है। झारखंड में 30 दिन बाद मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में बजट सत्र के 6ठे दिन शुक्रवार को आश्वासन दिया है कि राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों को सम्मिलित रूप से अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इससे संबंधित प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर कुमार मोहंती के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि यह अति महत्वाकांक्षी योजना है, सभी थोड़ा धैर्य रखें, प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड में 3 दिन होगी बारिश। झारखंड में मौसम में बदलाव का सिलसिला मार्च में भी जारी रहने का अनुमान है। मार्च के पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। 3 दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 29 फरवरी को देश के पश्चिमोत्तर भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 से 5 मार्च तक रह सकता है। 3 से 5 मार्च तक राज्य में हल्के से मध्य अवसर की बारिश होगी। वहीं 3 को तेज हवा के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन उसके बाद फिर मौसम बदलाव का अनुमान है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने कहा है कि मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान मौसम में बदलाव का क्रम जारी रहेगा। टाटा बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन का प्रधानमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। टाटा नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान बादाम पहाड़ के लिए रवाना हुई। उक्त अवसर पर आयोजित मंच में ACM बवन कुमार, पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत और अधिकारी उपस्थित थे। ARM अभिषेक सिंघल ने कहा है कि यह ट्रेन प्रतिदिन 6:30 बजे टाटा नगर स्टेशन से प्रस्थान करेगी और रात्रि 9 बजे बादाम पहाड़ पहुंचेगी। वहां से 9:15 पर प्रस्थान करेगी और रात्रि 11:30 बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के खुलने से मजदूर व्यापारी वर्ग को फायदा होगा, साथ ही रेलवे का राजस्व में भी वृद्धि होगी। 1 लाख का इनामी उग्रवादी संतोष गांजू ने किया सरेंडर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के सदस्य और 1 लाख के इनामी संतोष गांजू ने शुक्रवार को रांची पुलिस और CRPF के समक्ष सरेंडर किया है। उसे सरेंडर की राशि का चेक भी प्रदान किया गया। आरोपी उग्रवादी बुढ़मू थाना क्षेत्र के सीरम का रहने वाला है। मौके पर रांची SSP कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान SSP ने बताया कि संतोष गांजू ने
पूछताछ में जानकारी दी है कि उसके पिता के नाम पर गांव में 3 एकड़ जमीन थी। उस जमीन को उसके पिता ने बेच दिया था। इस कारण परिवार के सदस्यों के पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं बचा था। आरोपी पहले घर में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आरोपी की पहली पत्नी की मौत 2011 में ही हो गई थी। फौजदारी नाथ की निकलेगी भव्य बारात। महाशिवरात्रि तैयारी को लेकर बासुकीनाथ मंदिर के पंडा पुरोहित व स्थानीय नागरिकों के साथ से SDO कौशल कुमार ने बैठक की। महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। SDO ने सभी से महाशिवरात्रि के सफल संचालन को लेकर सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बाबा फौजदारी नाथ का विवाह परम्परागत तरीके से भव्यतापूर्वक किया जाएगा। विवाह उत्सव में संपन्न होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों पर विस्तार से चर्चा हुई। गढ़वा बस पड़ाव का नाम बदलने पर विरोध। गढ़वा शहर में 3 मार्च को मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होने वाले बस स्टैंड के नाम बदलने और बनाए गए प्रवेश द्वार को लेकर शहर के लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पूर्व शुक्रवार को शहर के आम लोगों की ओर से सामूहिक हस्ताक्षर से उपायुक्त को एक आवेदन दिया गया। इसमें कहा गया है कि एक साजिश के तहत नगर परिषद ने बस स्टैंड का नाम और प्रतीक चिन्ह दोनों ही बदल दिया है। इसको लेकर शहर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आवेदन में उपायुक्त से इसे संज्ञान में लेकर बस स्टैंड का नाम सुधारने और प्रवेश द्वार का भी स्वरूप बदलने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि वर्ष 1993 में गढ़वा का बस स्टैंड श्री कृष्ण गौशाला की भूमि में कब्जा करके बनाई गई। जब इसका विरोध किया गया तो तत्कालीन उपायुक्त उसके सत्यपथी ने नागरिकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव पर बस स्टैंड का नाम श्री कृष्ण पालिका परिवहन पड़ाव रखा था। झारखंड में मिल रही नोटों की भंडार, पीएम मोदी ने JMM को घेरा। धनबाद में भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। धनबाद के बरड़वा हवाई पट्टी मैदान में उनको सुनने आई जनता के उत्साह से अभिभूत प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होकर रहेगी। झारखंड के गरीब आदिवासियों से धन संपदा की लूट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी किया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गरीबों आदिवासियों की चिंता और उनका कल्याण ही मोदी की गारंटी है, इसलिए आपसे तीसरी बार 400 के पार के लिए समर्थन मांग रहे हैं। JMM का मतलब जमकर खाओ पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि JMM का मतलब है जमकर खाओ। कांग्रेस और JMM ने राज्य को लूटा है, एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरी भरना। आपको लूटकर बेनामी संपत्तियों का पहाड़ बना लिया। यह आपका पैसा, आदिवासियों का पैसा है, इसे लूट लिया गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। JMM और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। JMM को चलाने वाले लोग एक ही परिवार के हैं, उनको अपने बच्चों की चिंता होगी, आपके बच्चों की नहीं। ACB ने चान्हो अंचल के कर्मचारी को घूस लेते दबोचा। रांची ACB की टीम ने चान्हो में राजस्व कर्मचारी बेजामिन कुजूर को घूस लेते गिरफ्तार किया है। ACB की टीम गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। कोको निवासी पीड़ित सुनीत उराव ने ACB को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि 6 फरवरी को सनिया उराव से 5 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसका मोटिशन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन चान्हो अंचल में दिया था। पीड़ित राजस्व कर्मचारी से मिलकर म्यूटेशन के संबंध में बात करने पर कर्मचारी व्यंजन मींज उर्फ बेजामिन कुजूर ने म्यूटेशन करने के एवज में 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। HEC परिसर में शुक्रवार को रहा जनता कर्फ्यू। साप्ताहिक बाजार में तय दर से अधिक राशि वसूलने के विरोध में HEC परिसर में जनता कर्फ्यू रहा। इस दौरान परिसर के सभी दुकान बंद रहे। शालीमार का साप्ताहिक बाजार भी बंद रहा। इस दौरान HEC फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले दुकानदारों ने धुरवा थाने के सामने प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को निलंबित करने, ठेकेदार की गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। वार्ड 39 के निवर्तमान पार्षद वेद प्रकाश सिंह ने कहा है कि यह जो जनता कर्फ्यू आप देख रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि यह कोई पॉलिटिक मामला नहीं है, यह सामाजिक मामला है और यह गरीबों की आवाज़ है जो ठेकेदार और थानेदार के खिलाफ है। झारखंड के किसानों को 3 महीने में मिलेगा सुखाड़ का पैसा। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाले राहत के पैसे का भुगतान 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री बादल ने यह जानकारी सदन को दी है।
विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सुखाड़ पर सवाल पूछा था, जिसमें विभाग ने जानकारी दी है कि साल 2022 में 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ घोषित किया गया था। सुखाग्रसित सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। शेष 38 प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना का क्रियान्वयन किया गया। मंत्री बादल ने राज्य सरकार की तरफ से सदन में जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 33,63,201 आवेदन प्राप्त हुए हैं।